जबरदस्त। हीरो बन गया चलना बिल्कुल। काफी क्यूट है ये दोनों साहब लोग। डांस देखिए जबरदस्त। इसके लिए अलग से पटरी बनी हुई है। भाई ये जब कुछ इनको किसी बड़े कीड़े ने काटा है और ये सांप बन ओ भाई जहाज बन के गया। भाई ने सफलतापूर्वक इन्हें भी झूला झूला दिया और झूला झूला अरे भाई इसको भी कीड़ी काट दिया। ओह ये कहाँ गया वो कहाँ गया भाई जबरदस्त। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हम और नुमान भाई कुशीनगर। कुशीनगर में लगा हुआ है ग्रेट जेमिनी सर्कस। क्यों नुमान भाई? हाँ भाई। तो नुमान भाई हमारे उस सर्कस की काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि वहाँ चला जाओ और वहाँ का ब्लॉग कवर किया जाए। तो चला जाए नुमान भाई एकदम बिल्कुल। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सर्कस कहाँ लगा हुआ है ये हमें पता है नहीं। नहीं बता रहे हैं हम आपको। और बुद्धा इंटर कॉलेज जो है कुशीनगर में उसी के ग्राउंड में लगा हुआ है। बुद्धा इंटर कॉलेज जो है हाँ। तो कुशीनगर में बुद्धा इंटर कॉलेज है उसके ग्राउंड में लगा हुआ है। हाँ। फिलहाल चलते हैं हम लोग और रास्ते में आपको थोड़ा बहुत लोकेशन भी दिखाते रहेंगे कि अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो इजीली जा सके। क्यों नुमान भाई चला जा। ओके, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोग बाइक से। तो फिलहाल हम और नुमान भाई जा रहे हैं लोग बाइक से। आप देख सकते हैं ये अपनी बाइक है। इस बाइक को आपने अक्सर हमारे ब्लॉग में या फिर शॉर्ट्स में देखा होगा। हम लोग पडरौना से कसिया लगभग पहुंचने वाले हैं। कसिया आप पहुँचेंगे तो उससे पहले बैरिया मोड़ पड़ता है, वहां से आप राइट होके और एयरपोर्ट होते हुए जा सकते हैं। ये रास्ता आपको करीब पड़ेगा और सामने यहाँ जेमिनी सर्कस का बोर्ड भी लगा है येलो कलर का, आप देख सकते हैं। और बस यहीं से हमें राइट कर लेना है। तो बैरिया मोड़ होते हुए हम लोग कुशीनगर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुशीनगर एयरपोर्ट है और यहाँ से बस 2 किलोमीटर का और सफर है। वो भी चल के आपको दिखाते हैं। पड़ा हुआ है और ये रास्ते भी वीरान पड़े हुए हैं जो एयरपोर्ट जाने के लिए बना था। फिलहाल इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ग्रेट जेमिनी सर्कस के तरफ जो मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी। फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जेमिनी सर्कस लगा हुआ है, उसका बैनर है और काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है। हालांकि आज वीकेंड नहीं है, संडे होता है तो ज़्यादा भीड़ लगती है, लेकिन आज वीकेंड ना होने पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आप यहाँ पार्किंग देख सकते हैं जो पूरी तरीके से लगभग फुल होने वाला है और बच्चों के खेलने के लिए वहाँ बोट भी लगा हुआ है। और ये इसकी टाइमिंग है डेली 300 चलता है इसका, एक बजे से है और 1-4 बजे से और 7:30 बजे से है। तो 300 में ये सर्कस चलता है और अभी आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा है। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए क्योंकि बचपन में मैंने एक बार सर्कस देखा था, बहुत छोटा था, और उसके बाद आज मौका मिला है सर्कस देखने के लिए। तो अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सभी काफ़ी इंटरटेन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अंदर जो कलाकार हैं वो हमें कैसे इंटरटेन करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको। फोर व्हीलर की पार्किंग इधर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो इधर पार्क कर सकते हैं अपनी कार को। और ये जो सर्कस लगा हुआ है वो ठीक कुशीनगर गेट के ठीक सामने लगा हुआ है। और ये बाइक पार्किंग है और ये अंदर जाने का मेन एंट्रेंस। तो अगर आप अंदर जाते हैं तो खाने पीने के सामान या बाहर कैंटीन है वहीं से आप ले सकते हैं। और ये इसका टिकट घर है, तीन हिस्सों में ये बटा हुआ है। पहला टिकट जो है वो 100 रुपये का है, दूसरा 150 का है, तीसरा 250 का है। यानी 250 वाला टिकट अगर आप लेते हैं तो आपको आगे बैठने का मौका मिलेगा और 100 वाले टिकट में आपको सबसे पीछे मौका मिलेगा और जो 150 वाला टिकट है उसमें आप बीच में बैठ सकते हैं। तो यहाँ तो ये यहाँ का कैंटीन है, तो यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लेते हैं हम लोग क्योंकि मुझे लगता है शो जो है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे का होने वाला है। तो नुमान भाई ने हमारे यहाँ पानी लिया है और ये कैंटीन है जहाँ आपको चिप्स वगैरह ये सब चिप्स केक कोल्ड ड्रिंक और ये पेप्सी वगैरह मिल सकता है। यहाँ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो चलिए अब बगैर लेट किए ले चलते हैं आपको अंदर क्योंकि समय भी हो चुका है, लगभग 10 मिनट में शो चालू होने वाला है। तो चलते हैं फिर अंदर। तो काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अभी भी लोग आ ही रहे हैं
और हालांकि आज वीकेंड नहीं है लेकिन भीड़ काफ़ी अच्छा हुआ है और ये एंट्रेंस है अंदर जाने का। अभी अंदर ले चल के आपको पूरा सर्कस हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं, तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए। तो ये सर्कस का अंदर जाने का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, कोई भी यहाँ बदतमीजी छेड़छाड़ या कुछ भी ऐसी चीजें ना हो। और ये एंट्रेंस है और लग रहा है किसी अलग दुनिया में हम लोग आ गए। क्यों नुमान भाई? और नुमान भाई हमारे काफी एक्साइटेड है सर्कस देखने के लिए, तो चलते हैं फिर अंदर। एंट्री गेट है, अगर 100 का टिकट लेते हैं आपको तो यहाँ से एंट्री होगी, 150 वाले लोग की यहाँ से, 250 लोग वाले की यहाँ से, और ऐसे ही कई पार्ट में ये बटा हुआ है क्योंकि भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कई डोर गेट बने हुए हैं, तो अलग अलग गेट है अलग अलग टिकट के हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग को इस गेट से जाना है, तो चलते हैं फिर, क्योंकि लेट करेंगे तो फिर पीछे सीट मिलेगा और 250 रुपये खर्च करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। रहा वो जगह जहाँ पे सर्कस दिखाया जाता है और ये सीटिंग एरिया है, 100 वाला चेयर आपको इधर मिलेगा, 150 वाला चेयर बीच में मिलेगा और 250 वाला टिकट अगर आप लेते हैं तो आपको आगे बैठने का मौका मिलेगा, यानी बिल्कुल फ्रंट में। तो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इधर भी लोग बैठे हुए हैं, और अभी बस कुछ ही देरों बाद ये सर्कस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो कलाकार है वो इस गेट से एंट्री मार के आपको इंटरटेन करेंगे। और इसमें ये जो आप रस्सी वगैरह देख रहे हैं इस पर भी हमें कर्तव्य करके दिखाया जाएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है बैठने के लिए, आप देख सकते हैं, और कूलर वगैरह भी लगा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये एंट्री है जहाँ से कलाकार लोग आते हैं, ये जो गेट देख रहे हैं इस एंट्री होगी, और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें भी ज़रूर कुछ दिखाया जाएगा। तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं क्योंकि मैं बचपन में आया था और उसके बाद आज सर्कस देखने आया हूँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है यार। हालांकि काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आज सर्कस देखने के लिए, और काफ़ी बड़ा पंडाल यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पंडाल लगा हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में है। और ये शो की शुरुआत अफ्रीकन बॉय से, वाह ज़बरदस्त, इन लोग का हेयर स्टाइल देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होता है और काफ़ी यूनिक हेयर स्टाइल लगते हैं ये, वाह भाई एक कलैया खेलते हुए ज़बरदस्त। और यहाँ जिमनास्टिक दिखाते हुए ये भाई आप देख सकते हैं कैसा पिरामिड बना रहे हैं, वाह भाई ज़बरदस्त, दो लोगों ने तीन लोगों का भार उठाया, वाह बहुत बढ़िया जबरदस्त। वेरी नाइस। और फिर से एक बार और ये देख सकते हैं आप, ये बंदा अकेले तीन लोगों का भार उठाया, वाह भाई तुम्हारे ही बस का है ये, हम लोग मानते हैं, जबरदस्त, दो लोगों ने आप देख सकते हैं तीन लोगों का भार उठाया हुआ है, ऊपर चढ़ा है, बहुत रिस्की है ये, और गिरेगा भाई तो सीधे इसका सर और मुंह छूटेगा, और ये बच गया भाई जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत खूब, वाह भाई। तो ये सब कलाकारी इन्हें लोग के बस की है क्योंकि ये लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। सुमान भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है।
काफ़ी अच्छे से ये लोग हमें इंटरटेन कर रहे हैं। अभी तक दो तीन चीज़ों इन्होंने दिखाया, जैसे पिरामिड बना रहे थे लोग जो नाइजीरियन बॉय थे, और काफ़ी अच्छा इन्होंने पिरामिड बना के हमें दिखाया। हालांकि वो काफ़ी रिस्की था, लेकिन अच्छा लगा देख के। और ये अभी जो ये लोग लाठी तरह भाज रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और अभी ये मैडम आई है, देखा जाए ये क्या करने वाली है। ये रस्सी आप देख सकते हैं ऊपर से लटका हुआ है, और इस रस्सी पे ही मुझे लग रहा है ये कुछ दिखाने वाली है। हालांकि ये देखने में डर भी लगता है, लेकिन इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। देखिए कैसे ये ऊपर चली गई, और ये रस्सी वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। वहाँ से चार पांच लोग हैं जो उसे खींच रहे हैं, और एक ही सटके में देखिए लगभग कैंपस के 10 फीट ऊपर ये घूम रही है। तीन मान में 15-20 फीट के हाइट पे हैं ये। इतने में तो हम लोग को चक्कर आ जाएगा, क्यों मान रहे हैं। जबरदस्त, काफी रिस्की लग रहा है मुझे, आप देख सकते हो भाई। नहीं मत कर भाई। और ये दो भाई हमारे काफी मजा ले रहे हैं। अः भाई ये भी देखो, ये मिस मत कीजिए आप। ऊपर के चक्कर में धीरे धीरे इनकी लैंडिंग होते हुए पल भर में ये ऊपर गई और पल भर में नीचे आ गई। एक नई मोहतरमा, देखा जाए ये क्या करती हैं। इनका ड्रेस भी जोकर टाइप का ही देख सकते हैं। ऐसा ड्रेस अगर हम लोग मार्केट में पहन के निकल जाए तो डेंजर होंगे, और ये ड्रेस अगर यहाँ ना पहना जाए तो फिर ये सो फीका फीका लगेगा। जादू वगैरह कुछ दिखाने वाले हैं। ये भाई कहने का मजा लगा खाली, ये भाई मेरे मजा लेने के लिए सिर्फ भाई वहाँ चले गए इनको छोड़ के। बॉल एक साथ आप देख सकते हैं। अरे भाई काफ़ी इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, आप देख सकते हैं। अरे भाई अभी तक तो बॉल तक तो सही था, ये फुटबॉल वाला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्यों नहीं मान भाई। ओ भाई देख सकते, एक बॉल और दे रहे भाई, गिराओगे क्या तुम। अच्छा खासा धंधा चल रहा था, ये भाई ने चार बॉल। अरे साला मुझे अंदाजा था ये गिरेगा, हालांकि ये भाई मिस्टेक हो गया। अभी ये फिर से इसको करेक्ट करके दिखाएंगे। ये भाई बेइज्जती कराएगा ये वाला भाई। और फिर से एक बार और, बहुत कुछ तो काम किया भाई ने। जबरदस्त, तो इनका सब काम मुझे सिर्फ घुमाने वाला लग रहा है। देख सकते हैं कैसे रिंग को घुमा रही हैं। काफ़ी प्रैक्टिस के रंग किया है इन मैडम ने। बड़े बॉल से सीधे नींबू की बारी है भाई, और ये मुंह में डाल के इसको देखिए कितना कैसे फेंक रहे हैं मुंह के प्रेशर से। ये क्या करते हैं, ये कैप है। अरे भाई। अब भाई ये देखिए क्या ला रहे हैं हमारे। इस टेबल के कलाकार जो हैं वो ये मैडम हैं, और ये सर हैं, आप देख सकते हैं। स्केटिंग शूज पहने, आप देख सकते हैं पैरों में। अरे भाई लगा हुआ है वहाँ, और मुझे लग रहा है इस रस्सी पे चलने वाली है मैडम।
लोग शो का काफी मजा ले रहे हैं। बीच बीच में आपको खाने पीने के सामान भी यहाँ मिलने वाले हैं। रुमान भाई हमारे काफी मजा लेके देख रहा है ना, हमारे बॉक्स ला रहे हैं, आने वाले हैं। देख सकते हैं ये इतना छोटा बॉक्स है, इनकी वेट और हाइट और वजन काफी ज्यादा है और ये धीरे धीरे इस बॉक्स में समाने वाले हैं, जैसा कि हमें लग रहा है और सही लग रहा है। आप देख सकते हैं छोटे कवर कर लिए जबरदस्त। फिलहाल ये देखिए ये पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा है और ये खुद को इस पाइप पर बैलेंस करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है और मेरा बैलेंस कर रहे हैं। ओ भाई जबरदस्त। बीच बीच में जानबूझ के ऐसा करते हैं लोग कि लोग इससे इंटरटेन होते रहें। दूसरी मैडम आई है, ये रस्सी इनके लिए लगा था। इन्होंने कुछ पहना है, ये सेकंड ट्राई, तीन कप ऑलरेडी हो चुका है, ये चौथा गिर गया भाई। जाने वाला है ओह, कोई बात नहीं, जाएगा जाएगा जाएगा, वेरी नाइस। रुमान भाई आप फंसा लेंगे तो काफी मजा आ रहा है आज, काफ़ी मज़ा आ रहा है सर्कस में। अभी तक हम यहाँ जब से आए बोर नहीं हुए हैं और ये एक चम्मच बचा हुआ है, इसको भी कप में डालने वाली है मैडम। छोटा सा चम्मच है और कप भी काफ़ी छोटा है, देखते हैं जाता है कि नहीं। ए ए ओ भाई थोड़ा सा रह गया, जबरदस्त। और एक ये नई मैडम आई है, हाथ में इनके रिंग है बड़ा सा और इस रिंग से गला दिखाने वाली, आप देख सकते हैं। वाह वेरी बहुत गुड, वाह। और ये देखिए कितने स्टाइल से पैरों से इस रिंग को उतार दे रहे हैं, अगर हाथ को टच किए रिंग से। वाह तो ये तीन चार रिंग से खेल ली, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, जो हम लोग की बात नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं अगर इसका प्रैक्टिस रेगुलर किया जाए तो। फिलहाल ये तीन चार रिंग को हैंडल कर रही हैं जबरदस्त। अरे ये तो 20-25 रिंग है, कम से कम 20-25 रिंग होगा, देखते हैं क्या करती है इसके साथ। ओ भाई जबरदस्त, वेरी नाइस। अब लोगों के बीच में तारा और सितारा, शोले के गब्बर जैसे भाई वाह। और यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट डॉग आए हैं सर, ये बहुत परेशान है। ये नाच के दिखाएगा हमें, ये पैर के बीच में से निकल रहा है मैडम के। कार भी आया इनके लिए, हमें लग रहा है ये कार चलाने वाले हैं, तो ये चला रहे हैं, ये ढकेल रहे हैं सारे। तो साहब लोग खत्म हो रहा है तो बस दूसरा चालू हो जा रहा है और अभी तक हम लोग जरा सा भी बोर्ड नहीं हुए हैं। और सर्कस का सारा लाइट बन गया है, बंद हो गया कि ये सारा फोकस हमें उधर करना है। और ये बाइक स्टार्ट होते हुए तो अफ्रीकन बॉय की एक बार और से एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये क्या कर रहा है भाई, स्केटिंग कर रहा है, रस्सी कूद रहा है, यानी रस्सी से कला दिखाने वाले हैं। हेयर स्टाइल देख सकते हैं आप, काफ़ी लुभावना है। और ये देखिए इस तरीके से रस्सी कूद के दिखाएंगे, यूनिक तरीके से, अलग तरीके से, जबरदस्त। ये भाई जो अभी आ रहा है ये बहुत एंट्रिक है, जो भी पीछे गया जबरदस्त, ये कुछ अलग स्टाइल। इन लोग का डांस बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बीच बीच में डांस करते रह रहे हैं, डांस इसका रुक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं पीछे ये हेयर वाला बात कैसे डांस कर रहा है,
ये डांस देखिए, ये भाई सबसे एंटिक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका लग रहा है जबरदस्त, और इससे कूद के निकलना क्या कुछ। हाँ भाई वेरी नाइस, बहुत खूब डांस इसका आप लोग देखिए। हालांकि कॉपीराइट के वजह से मैंने म्यूजिक इसका म्यूट कर दिया है, अलग से म्यूजिक दिया है, वरना अगर ओरिजिनल म्यूजिक होता तो और मज़ा आता। हालांकि जबरदस्त वेरी नाइस डांस इंस लोग का रुक ही नहीं सकता है। पीछे आप देख सकते हैं नाइजीरियन बॉय गए हैं, तब तक नया गेम स्टार्ट होने वाला है। होता है ये लाइट वेटेड होता है बॉक्स में, इसमें ये जो रिंग टाइप का बना हुआ है, और इनके लिए पर्दा टांगा गया है। देखा जाइए क्या करती है। फिलहाल बीच बीच में पेट पूजा हम लोग की होते रह रही है। देखिए कैसे खींच रहे हैं, और ये ऊपर गए काफ़ी हाइट पे हैं, ये नीचे है, ये हाइट देख सकते हैं आप। और बड़ा साइकिल के बाद ये छोटा साइकिल पेश है भाई। ये साइकिल आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, जबरदस्त। इसके लिए अलग से पटरी बनी हुई है। एक मेहनत इधर, एक मेहनत इधर, और ये सीधे हाइट पर। एग रोल खाने के लिए कह रहे हैं ये, देखिए एग रोल खिलाने वाले, ए ए आ, और ये उल्टा एग रोल इनको खिला दिए साहब। और ये मैडम लोग आई हुई हैं, देखा मैडम क्या करते हैं। एक मेहनत इधर और एक बिना मेहनत इधर। ओ भाई, ओ भाई, दांत से सिर्फ पकड़ के देखिए। स्माइल डेंटल केयर, ज्योति डेंटल केयर पे आप संपर्क करें अगर आपके दांतों के साथ कुछ होता है। ये हाइट देख सकते हैं आप, और सेटअप किया जा रहा है आप देख सकते हैं। सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। और बीच बीच में ये इंटरटेनिंग आपको मिलते रहेगी हर 5 मिनट पे, और अभी इसको देखते कैसे देने वाला है। ये बोरा देख सकते हैं आप, इस सैलून के दुकान पे जो कपड़ा पहनाया जाता है बाल काटने के लिए। भाई का चेयर देख सकते हैं आप, पानी पी लिया, फुहारा मारने वाले हैं बाल पहन के। कंघा भाई का डेंजर है, इस्तेमाल ना करे। अरे भाई, अरे भाई, नहीं भाई, से करो कंघा इनका। एक कैंची है, अरे भाई। और एक बार फिर से भाई आग से खेलते हुए वहाँ से बचते हैं, और साथ ये डांस। इस सॉन्ग को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ गया था उस पर, और जबरदस्त डांस। और ये भाई देख सकते हैं आप कैसे रिंग पहुँचा रहे हैं हाथ में, तो आग से खेलना होते हैं इनसे सीख सकते हैं आप, जो काफ़ी अच्छा। और ये देखिए कोयले को खा रहे हैं जैसे, और काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं इन लोग, इसलिए इनका मन नहीं करता। और अफ्रीकन बॉय की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैसे पोल पे चढ़ रहा है।
जबरदस्त, ऐसे आप ही लोग सिर्फ चढ़ सकते हैं, हम तो मोटा पेड़ है उस पर भी नहीं चढ़ पाएंगे। और देखिए कितना स्टाइल से पतले से पाइप पे चढ़, वाह भाई, अरे जबरदस्त, वेरी नाइस। और पीछे इन लोग का डांस चल ही रहा है, डांस इन लोग का रुक नहीं सकता है, आप देख सकते हैं कैसे चारों भाई इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खूब। हाँ, और अब ये बाल वाला भाई चढ़ेगा अलग स्टाइल से। अरे अभी देखिए कैसे दोनों लोग एक ही साथ नीचे आएंगे और बीच में ब्रेक भी लगाएंगे, हालांकि इन्होंने अपना पैंट चेंज किया है। और भाई देखिए कैसे रुकते बीच में, और एक बार और रुकते हैं, जबरदस्त भाई, बहुत। तो ये सिर्फ आप ही लोग, जाली सेट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जाली सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। शो का लास्ट आइटम है और ये कलाकार है नीचे, और ये भाई ऊपर, और ये ऊपर भाई सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया क्योंकि कई बार इसमें खतरा भी हो चुका है, जो दर्शक यहाँ देखने आए हैं तो उनका अटैक हो चुका है इस वजह से। उसको भाई इधर चल रहा है सीढ़ियों से, इधर तीन लोग हैं, चार लोग हैं इधर, और इधर ये सिंगल है भाई। गेम स्टार्ट हो रहा है, ये चार और ये सिंगल, जरूर कुछ इसमें सीक्रेट होगा जहाँ तक मेरा। ये नीचे का हाइट देखिए और ये ऊपर की हाइट देखिए, अब समझ में आया कि हाइट आपको कितनी ज़्यादा है। और भाई ये हमारे तभी से झूल रहे हैं, ये जरूर इन लोग को झूला झूलाने वाले हैं जहाँ तक मेरा गेस है। ये झूला झूलने के लिए एकदम परेशान है भाई, आप देख सकते हैं, और ये लोग अभी रेडी नहीं है। और भाई ये, ओ भाई, उस कीड़े की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर गए, और भाई ने हमारे इनको भी झूला चला दिया, झूला झूल के जाता, और ये भाई तीसरा आदमी गया है झूला झूलने के लिए, इनको भी लग रहा है किसी कीड़ा ने काटा है पीछे से। ओ भाई, तो इनको भी ये सफलतापूर्वक झूला झूला चुके हैं, अब इनकी भी घर वापसी होगी। एक दो तीन और ये गए झूला झूल के अपने पिंड वापस जाते हुए। भाई हमारे सुपरमैन वाला चड्डी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं चारों भाइयों ने पैंट के ऊपर चड्डी पहना हुआ है जो सुपरमैन ही पहना करते थे, और उन्हीं से इंस्पायर होकर इन भाइयों ने भी चड्डी पहनना शुरू कर दिया, और ये भी चड्डी पहने हुए हैं चुका है, और ये कुछ अलग करेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनको किसी बड़े कीड़े ने काटा है। और ये सांप बन, ओ भाई जहाज बन के गए, भाई ने सफलतापूर्वक इन्हें भी झूला झूला दिया, और झूला झूला, अरे भाई इसको भी कीड़ी काट दिया, ओह ये कहाँ गया वो कहाँ गया भाई, जबरदस्त, ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कि बस ये झूला झूल के आ जाएंगे, लेकिन दो लोग टूट पड़े हैं झूला झूलने के लिए। एक चार बजे, ओ भाई, और एक एक, एक बजे, फिर चार बजे, फिर 7:30 बजे, लोग तीन बार प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, वो कीड़े को निकाल रहे हैं, धड़ा है। और ये भी कूद के ही आएंगे, और डरते हुए ओ गया भाई। अब इन दोनों भाई की सांसें बढ़ती हुई कि अब हमें भी कूद के ही जाना पड़ेगा, और सुपरमैन की चड्डी इनकी ढीली होती हुई, और ये भाई गए, और ये धड़ाम। अब ये भाई हमारे लास्ट बचे हुए हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे लग रहा है ये भी कूद के ही आएंगे, हालांकि इनकी पूरी फट चुकी होगी कि काश सीढ़ी से मैं उतरता, लेकिन इज्जत बचानी, और ये धड़ाम। तो ये रहा ग्रेट जेमिनी सर्कस, जो काफ़ी ज़बरदस्त था और देख के काफ़ी मज़ा आया, और उसी के साथ ये सर्कस यहीं एंड होता है। तो सबसे पहला फीडबैक हम नुमान भाई से लेंगे, नुमान भाई सर्कस कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार था, मज़ा बहुत ही पूरा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है जी। जब से हम लोग आए एक भी मिनट हम लोग बोर नहीं हुए हैं, और ये शो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जब से हम लोग आए हैं कुछ ना कुछ ये लोग करतब दिखाते हैं, ये रथ चले आए हैं, और बहुत मज़ा आया है, और सर्कस यहीं पे एंड होता है, और सभी लोग धीरे धीरे घर को रवाना हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो फिलहाल हम भी चलते हैं, हो चुका है, अब सभी लोग घर को वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और हम भी चलते हैं। ये सेटअप है यहाँ का, आप आते हैं तो और भी खूबसूरत यहाँ आपको माहौल दिखने वाला है, हालाँकि मुझे ब्लॉग बनाना था इस वजह से मैं दिन में आया हूँ, क्योंकि रात में उतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं कैमरे में हमारे। और धीरे धीरे लोग वापस को जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये रहा इंट्रेंस जर्मनी सर्कस का।
तो ये था जेमिनी सर्कस का पूरा नज़ारा हमारे ब्लॉग के माध्यम से, और कुछ इसी टाइप का सर्कस अंदर दिखाया गया है। हालांकि अगर आप यहाँ आके अपने आँखों से देखते हैं तो आपको और भी मज़ा आने वाला है यहाँ, क्योंकि कैमरे में उतनी अच्छी आ नहीं पाती और सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। हालांकि मैंने जितना हो सका कवर किया और काफ़ी मज़ा आया, और जब तक हम यहाँ थे पूरा इंटरटेन हुए, एक मिनट भी बोरिंग नहीं लगा है। और ये रात का माहौल है, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आप रात में आते हैं तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। और मुझे ब्लॉगिंग करना था, इस वजह से हम लोग शाम को आए थे कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो धीरे धीरे लोग चल रहे हैं और हम भी चलते हैं, और आई होप आप सभी को हमारा आज का ये जेमिनी सर्कस वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।